जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हार्ट पावर लर्निंग पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन पार्ट टू देखेंगे। इससे पहले हम लोग वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का पार्ट वन इसी चैनल पर वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल में वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ से देख सकते हैं। उसमें भी 15 क्वेश्चन डिस्कस किए गए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज हम इस वीडियो में वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के एक टॉपिक है GSM, उससे रिलेटेड हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे और अदर भी क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ बेस हमारा जो है वो GSM ही होगा, उससे रिलेटेड ही सारे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं और वो क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपको जानने की भी आवश्यकता होती है। इजी से लेकर हार्ड तक सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। ठीक, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपको एक बात जानकारी बता दें कि अगर आपको इस PDF की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से अगर आप लिंक से डाउनलोड करते हैं तो उसका आंसर जो ये वाला ऊपर दिया गया है वी आंसर, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो चैनल से आप जुड़ जाएंगे। ठीक, तो आज का फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलुलर सिस्टम टू स्पेसिफाई डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड नेटवर्क लेवल आर्किटेक्चर। मतलब क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल मॉड्यूलेशन और नेटवर्क स्तर की वास्तुकला को निर्धारित करने के दुनिया का पहला सेलुलर सिस्टम बन गया। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन दिया गया है GSM, दूसरा ऑप्शन दिया है AMPS, तीसरा ऑप्शन दिया गया CDMA, और चौथा ऑप्शन दिया गया है IS-54। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, GSM, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज का जो वीडियो हमारा होगा वो बेस्ट किस पे होगा, GSM पे होगा। तो पहला क्वेश्चन ही जो है हमारा GSM राइट आंसर होगा। GSM क्या होता है, जो 2G होता है, 2G टेक्नोलॉजी है, उसका मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है। जब सेकेंड जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन में आया तो उसमें GSM का यूज़ करना शुरू किया गया। तो इसका आविष्कार मतलब कि सबसे पहले जो यूज़ कहाँ किया गया, यूरोप में यूज किया गया था, यूरोप में, मतलब बाय यूरोप द्वारा इसे डेवलप किया गया था। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, GSM। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, GSM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रीवियसली इन 1918 GSM स्टैंडर्ड्स ऑफ FR, यानी कि पहले 1980 के दशक में GSM का अर्थ क्या होता था। इस समय तो पता है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल होता है, लेकिन इससे पहले क्या होता था। तो इसके ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया, पहला दिया गया है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ये तो 1980 से पहले होता था। ठीक, सॉरी 1980 के बाद होता था, कब होना शुरू हुआ ये, 1992 में। इसका जो ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कहा गया 1992 में, इसको कहा गया, किसके द्वारा कहा गया है, यूरोप मतलब यूरोपियन टेक्नोलॉजी द्वारा इसे नाम दिया गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। तो ये पूछा 1980 तक, 1980 से पहले क्या कहा गया है, 1900 से पहले इसका दिया गया दूसरा ऑप्शन ग्रुप स्पेशल मोबाइल, तीसरा ऑप्शन ग्लोबल स्पेशल मोबाइल, और तीसरा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है ग्रुप सिस्टम मोबाइल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, ग्रुप स्पेशल मोबाइल। ग्रुप स्पेशल मोबाइल कब से, 1980 से पहले इसका नाम क्या था, GSM का, पूछ सकता है GSM का फुल फॉर्म क्या था, कब, 1980, यानी कि 1980 के दशक में GSM का मोबाइल क्या था, तो उस समय था हमारा ग्रुप स्पेशल मोबाइल। और जो GSM का फुल फॉर्म यानी जो इस समय चल रहा है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, ये इसका नाम कब पड़ा, 1992 में। ठीक, ये भी याद के रहना, GSM का आविष्कार कब हुआ, 1992 में, किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था यूरोप द्वारा, और सबसे पहले यूज कौन किया था, फिनलैंड किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, हु सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ GSM, यानी कि GSM के मानक कौन निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया ITU, दूसरा ऑप्शन दिया गया AT&T, तीसरा ऑप्शन दिया ETSI, चौथा ऑप्शन दिया गया USDC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, ETSI। ETSI का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, यूरोपियन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट,
यानी यूरोपियन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा ही हमारा जो जीएसएम के मानक होते हैं उसे डिसाइड किया जाता है। तो इससे पहले भी हम बताएं कि जीएसएम का जो आविष्कार किया गया था, यानी जीएसएम जो डेवलप किया गया था, जो यूरोपियन द्वारा किया गया था, तो इसका जो नियंत्रक होता है, जो इसको नियंत्रित करता है, वो कौन करता है? यूरोपियन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसमें नियंत्रण में करता क्या है कि ये जो बैंडविड्थ होती है, जो इसकी बैंड होती कितनी होती है, 900 मेगाहर्ट्ज होती है। ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? ETSI द्वारा डिसाइड किया गया, यानी यूरोपियन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब सिस्टम प्रोवाइड्स रेडियो ट्रांसमिशन बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड MCS? मतलब क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सब सिस्टम मोबाइल स्टेशन और MCS के बीच रेडियो प्रसारण प्रदान करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है BSS, दूसरा ऑप्शन दिया है NSS, तो तीसरा ऑप्शन दिया है OSS, और चौथा ऑप्शन दिया है BSC। ठीक, तो BSS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक सर्विस सेट। दूसरा ऑप्शन दिया है NSS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। और तीसरा ऑप्शन दिया गया OSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम। और चौथा ऑप्शन दिया BSC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? BSC का बेस स्टेशन कंट्रोल। ठीक, तो जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सब स्टेशन मोबाइल सिस्टम में जो MES के बीच रेडियो प्रदान करता है वो सिस्टम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए BSS। BSS मतलब बेसिक सर्विस सेट जो होता है वो मोबाइल स्टेशन तथा सब स्टेशन बीच में मीडिएटरी का काम करता है, वो BSS करता है, बेसिक सर्विस सेट होता है। ठीक, तो फोर नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। और साथ में इसका जो फुल फॉर्म आपको बताया गया है वो भी याद करना, BSS का जो होता है बेसिक सर्विस सेट होता है, नेटवर्क स्विचिंग सब स्टेशन होता है, सब सिस्टम होता है, और जो OSS दिया है इसका ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम होता है, और BSC का जो फुल फॉर्म होता है बेस स्टेशन कंट्रोल होता है। ठीक, तो इनका फुल फॉर्म भी साथ में याद किया रहना, क्या होता फुल फॉर्म। आई होप फोर क्वेश्चन आपका तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया गया है? फिल इन द ब्लैंक्स मैनेज द स्विचिंग फंक्शन इन GSM, यानी कि GSM में स्विचिंग फंक्शन को प्रबंधन करता है। इसमें भी पहला ऑप्शन दिया गया BSS, दूसरा ऑप्शन दिया NSS, तीसरा ऑप्शन दिया OSS, चौथा ऑप्शन दिया गया है MCS। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा NSS हो जाएगा, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि नेटवर्क स्विचिंग सब स्टेशन GSM में स्विचिंग फंक्शन का प्रावधान करता है। आपको अगर फुल फॉर्म पता है तो आप ऐसे भी आंसर सही कर सकते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म में लिखा नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम, और जो पूछ रहा है वो भी क्या पूछा, स्विचिंग फंक्शन कौन प्रदान करता है, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि NSS इसका राइट आंसर होगा। तो फिलिंग द ब्लैंक में क्या होगा, NSS मैनेज द स्विचिंग फंक्शन इज GSM। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा क्या दिया गया है? फिलिंग द ब्लैंक सपोर्ट ऑफ द ऑपरेशन टू मेंटेनेंस ऑफ GSM, यानी कि GSM के संचालन और रखरखाव का समर्थन करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें BSS, दूसरा ऑप्शन दिया गया NSS, तीसरा ऑप्शन दिया गया OSS, चौथा ऑप्शन दिया गया MCS। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, OSS। OSS मतलब क्या होता है? ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम, यानी कि आप बता तो रहे हैं, आपको अगर फुल फॉर्म पता है ना तो आप अच्छे से ये कर सकते हैं, यानी आंसर सही कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस ऑफ GSM, ऑपरेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन सिस्टम होता है, तो सबसे इसका फुल फॉर्म अगर OSS का आपको पता है, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम सब सिस्टम, तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं, यानी आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स का। तो फिलिंग द ब्लैंक में क्या भरा जाएगा यहाँ पे, OSS यानी ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम सपोर्ट्स द ऑपरेशन एंड मेंटेन्स द GSM। तो GSM में जो क्या बोलते हैं, संचालन तथा रखरखाव काम करता है कौन करता है, OSS करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा क्या दिया गया, द फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम प्रोवाइड सर्विस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम था उस किस फॉर्म में कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा था। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया एनालॉग सिस्टम में, एनालॉग फॉर्म में, दूसरा ऑप्शन दिया डिजिटल में,
तीसरा ऑप्शन दिया हाइब्रिड में, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है जब 1G जनरेशन आया था, यानी फर्स्ट जनरेशन जब आया था, 1G जब सिस्टम था, उस समय कौन सा सिस्टम चल रहा था? एनालॉग सिस्टम चल रहा था। डिजिटल सिस्टम तो 2G से प्रारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, एनालॉग सिस्टम। जो 1G था उसमें क्या था चल रहा था हमारा? एनालॉग सिस्टम चल रहा था। जो 1G पे जितने भी मोबाइल होंगे उसमें एनालॉग सिस्टम ही चल रहा था, यानी कि बड़ा सा टेलीफोन एरियल निकला रहता था उसमें, वो था क्या? एनालॉग सिस्टम पे था, ठीक। क्योंकि जो डिजिटल सिस्टम है वो 2G से डेवलप किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन पूछ रहा है यानी 1G का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, एनालॉग सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या है? सेलुलर सर्विस यूटिलाइज्ड ट्रांसमिशन, यानी सेलुलर सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए क्यों यूटिलाइज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया हाई पावर, दूसरा ऑप्शन दिया गया अल्ट्रा हाई पावर, तीसरा ऑप्शन दिया गया लो पावर, चौथा ऑप्शन दिया बोथ लो एंड हाई पावर, यानी कि मैक्सिमम पावर में हाई पावर मतलब क्या हो, ज़्यादा पावर लगती थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर क्वेश्चन एट का सी हो जाएगा, लो पावर, यानी कि सेलुलर सर्विसेज यूटिलाइज्ड लो पावर ट्रांसमीटर्स, यानी कि लो पावर से ही ट्रांसमिट करता है, इसमें ज़्यादा लो पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप ही सोचिए आपके मोबाइल में कितने एमएच की बैटरी पड़ी होती है, 2200 या फिर 4500, 500, 5000 एमएच या ऐसे कुछ एमएच की बैटरी होती है, तो कितना बैकअप देता है? 24 घंटे तक बैकअप देती है। तो आप समझ सकते हैं कितना पावर इसमें यूज होता होगा। तो सेलुलर सिस्टम में कितना क्या लगता है? लो पावर लगता है, बहुत कम ही पावर लगता है। इस क्वेश्चन नंबर सी का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, लो पावर सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। नाइन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? जीएसएम इज ए सिक्योर सिस्टम, यानी जीएसएम एक सुरक्षित प्रणाली है। क्यों सुरक्षित प्रणाली? वायर्ड है तो इसलिए? नहीं, वायरलेस है इसलिए? हाँ बिल्कुल। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है? देखो सिंपल है तो इसे थोड़ा ना होगा कि सुरक्षित हम उसे मान सकते हैं। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स, देखो सुरक्षित मतलब यह है कि एक सिक्योर, यानी कि तुम्हारी प्राइवेसी को छुपा पाता है या नहीं पाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, वायरलेस। वायरलेस होने से हैक होने का चांस कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वायरलेस सिस्टम। वायरलेस सिस्टम में हैकिंग होने के चांस कम होते हैं जितना कि कंपेयर टू वायर्ड। वायर्ड में हैकिंग होने गए हैं कि कोई ऐसा वायर्ड है जिसको बीच से काट के हम उसको अपनी तरफ कनेक्ट कर लें, जो भी पीसी में कनेक्ट कर लें, जैसे भी कर लें, तो वायर्ड सिस्टम में हैकिंग का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन वायरलेस सिस्टम में हैकिंग का चांस कम होता है, इसलिए हम जो जीएसएम होता है जो वायर्ड सिस्टम की वजह से ही ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, वायरलेस सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या दिया है? फास्टली जीएसएम वाज डेवलप्ड इन, यानी सबसे पहले जीएसएम को कहाँ डेवलप किया, कहाँ तैनात किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन दिया रसिया, तीसरा ऑप्शन दिया नॉर्वे, चौथा ऑप्शन दिया स्वीडन। ये सारे यूरोपियन कंट्री ही हैं। आपको हम पहले बता दे रहे हैं, जितने अभी तक इससे पहले जो बताया गया था कि जो जीएसएम को डेवलप किया गया था वो यूरोप में किया, यूरोप में कहाँ किया गया था उनसे अब ये पूछ रहा है यूरोप में किस कंट्री में किया गया था। तो फिनलैंड, रसिया, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे यूरोपियन कंट्री ही हैं, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि यूरोप में अभी बता रहे थे, अब इसमें कहाँ बता दें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, फिनलैंड। यानी कि यूरोप में किस कंट्री में किया गया था? फिनलैंड में किया गया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, फिनलैंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका, फिनलैंड, ठीक। आंसर नंबर ए इज राइट आंसर, फिनलैंड में कहाँ सबसे पहले कहाँ डेवलप किया गया था? फिनलैंड में। कौन यूरोपियन कंट्री? एक फिनलैंड है, वहाँ पे इसे डेवलप किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है? द फर्स्ट पर्सन टू मेक कॉल ऑन नेटवर्क ऑफ जीएसएम वाज, यानी कि जीएसएम के नेटवर्क पर कॉल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था भाई? पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन दिया क्या दिया गया है? पेहर एविंद स्वीन हुपहुड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पावो लिपोनेन, तीसरा ऑप्शन दिया गया हैरी होलकेरी, और चौथा ऑप्शन दिया है जूहा सिपला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, हैरी होलकेरी। तो हैरी होलकेरी एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीएसएम नेटवर्क में सबसे पहले कॉल किए थे। कहाँ के थे? फिनलैंड के थे, सिंपल सी बात है, ठीक। और क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, हैरी होलकेरी एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीएसएम नेटवर्क पे सबसे पहले बात करने वाले, सबसे पहले कॉल करने वाले व्यक्ति थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रीक्वेंसी रीयूज इज, यानी कि
आवृत्ति पुनः उपयोग से क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। लिमिटेड स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है। सेम स्पेक्ट्रम में भी एलोकेटेड टू अदर नेटवर्क, बिल्कुल। और ऑल ऑफ द अबव, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो सॉरी आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी फ्रीक्वेंसी रीयूज से क्या क्या फ़ायदे हमारे हैं। पहला फिर आप फ़ायदा क्या, कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होती है। दूसरा क्या है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। और जो सेम स्पेक्ट्रम में मे बी एलोकेटेड मतलब अदर नेटवर्क, यानी एक ही स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक ही सेल में हम कई सारे लोकेशन को एलोकेट कर सकते हैं, यानी कई सारे नेटवर्क को एलोकेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, सेंट्रल एक्साइटेड हेक्सागोनल सेल्स यूज, यानी कि केंद्र उत्तेजित हेक्सागोनल सेल्स का मतलब यहाँ कोशिकाएं नहीं होगा, सेल्स मतलब सेल ही होगा, सेल्स उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें सिक्योर डायरेक्शनल एंटीनास, दूसरा ऑप्शन दिया ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास, तीसरा ऑप्शन दिया यागी यूडा एंटीनास और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। इन एंटीना के बारे में हम लोग माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग जो है उसमें पढ़ेंगे कि ये एंटीना क्या होते हैं। इसमें बस इतना जानो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर इसका होगा आंसर नंबर बी होगा, यानी ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, जो सेंट्रल एक्साइटेड हेक्सागोनल सेल होते हैं उसमें जो एंटीना लगाया जाता है वो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। ओमनी डायरेक्शन क्या होता है, वो 360 डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री वो डाटा को एब्जॉर्व करता तथा ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता तथा ट्रांसमिट करता है। तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का यूज़ किया जाता है किसमें, सेंट्रल हेक्सागोनल सेल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सप्लीमेंट्री ISDN सर्विस, यानी ISDN सर्विस निम्नलिखित में से कौन से सेवा के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन दिया है इमरजेंसी कॉलिंग के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पैकिंग स्विचिंग प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत, और तीसरा ऑप्शन कॉल डाइवर्जन के अंतर्गत, और चौथा ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड मोबाइल टेलीफोन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है। ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, तो इसका उपयोग क्या मतलब किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको यूज़ किया जाता है सेल डाइवर्जन के लिए, सेल डाइवर्जन के लिए क्यों यूज़ किया, SMS को भेजने के लिए। SMS मतलब क्या होता है, SMS का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है SMS का फुल फॉर्म। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक बात आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने हम फुल फॉर्म आपको बताए हैं आप उन्हें जरूर याद किया रहना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं फुल फॉर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इजी क्वेश्चन बनाने के लिए उनके पास फुल फॉर्म एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है, वो फुल फॉर्म को देने के लिए वो बाध्य नहीं रहेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो फुल फॉर्म जरूर याद किया रहना कि SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, और ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 14 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, सेल डाइवर्जन के लिए। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपका तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर मेक्स इम्पॉसिबल टू ड्रॉप ऑन GSM रेडियो ट्रांसमिशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता GSM रेडियो प्रसारण पर छिपाकर बात करना संभव बना देती है। इससे पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन कवर किए थे जिसमें था कि जो GSM सिस्टम हो क्यों सिक्योर है, तो उसका ऑप्शन था वो वायरलेस है, तो कुछ ही उसी प्रकार कुछ इसका भी ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है SIM यानी सिम, दूसरा ऑप्शन दिया ऑन द एयर प्राइवेसी, तीसरा ऑप्शन दिया SMS यानी फुल फॉर्म इसका क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, और चौथा ऑप्शन दिया पैकेट स्विचिंग ट्रॉफिक यानी PST। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी होगा, ऑन द एयर प्राइवेसी। ऑन द एयर प्राइवेसी मतलब क्या होगा कि ये वायरलेस होता है, एयर में को मतलब कि ओपन सर्किट होता है, इसमें कोई फिजिकल सर्किट का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए जो GSM होता है वो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, और इससे हम छिपाकर बात करना संभव हो सकता है, इसमें कोई आपकी बात को हैक नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है जो GSM है इंड टू इंड इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि आपकी जो प्राइवेसी हो जो ओरिजिन है तथा डेस्टिनेशन है वहाँ से लेकर उनको बरकरार रखती है वो, यानी कि जो आपकी ओरिजिन है तथा डेस्टिनेशन है इन दोनों के बीच में आपका जो डाटा होगा आपकी जो प्राइवेसी होगी उसे वो हाइड करके रखे, कहीं छुपाने वाला नहीं, तो इसलिए कहा जाता है इसको इंड टू इंड इंक्रिप्शन सर्विस। कौन सी है, GSM है। ठीक, GSM के अंतर्गत इंड टू इंड से इंक्रिप्शन सर्विस आती है, अपने प्रोटोकॉल में भी लिखता है कि हम इंड टू इंड इंक्रिप्शन रखेंगे। ठीक, यानी कि आपको कहीं आपकी प्राइवेसी को
आपकी प्राइवेसी को लीक नहीं होने देंगे। ये जीएसएम के सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो इस प्रकार से जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑन द एयर प्राइवेसी। ठीक, तो आज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था 15 नंबर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और सभी दोस्तों का इससे फ़ायदा हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इसी पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ऊपर जो दिया गया है लिंक, वहाँ से आप आंसर भी इसका देख सकते हैं, जो लिखा होगा वी आंसर। ठीक, वी आंसर के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा वीडियो के थ्रू, इसी वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।